थाना छत्ता क्षेत्र में हुए गोलीकांड का एक आरोपी पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार हुआ है, जबकि आरोपी का साथी सोनू यादव पुलिस को चकमा देकर भागने में सफल रहा। विगत कुछ दिनों पूर्व थाना छत्ता क्षेत्र में कमलानगर के व्यापारी को गोली मारकर मोटरसाइकिल सवार आरोपी भागने में सफल रहे थे। उसके दूसरे दिन ही थाना इरादत नगर में दिन दहाड़े बैंक लूटकांड की घटना को अंजाम देकर बेखौफ बदमाशों ने पुलिस को खुली चुनौती दी थी। तभी से पुलिस ने अपनी टीमें बनाकर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर लगाकर आरोपियों पर दबिश देना शुरू कर दिया था। सीसीटीवी की फुटेजों के आधार पर दोनों घटनाओं को अंजाम देने वाले आरोपी एक ही निकले। तभी से पुलिस इन आरोपियों की तलाश में जुटी थी, लेकिन विगत रात्रि मुखबिर खास की सूचना पर पुलिस ने वाटरवर्क्स चौराहे पर आरोपियों की घेराबंदी कर ली। घेराबंदी होते देख आरोपियों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। इधर पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग कर एक आरोपी को धर दबोचा, जबकि दूसरा साथी मौके से पुलिस को चकमा देकर भागने में सफल रहा। देखिए, कुछ दिनों पहले थाना क्षेत्र छत्ता में एक व्यक्ति के ऊपर गोली चलाने की घटना सामने आई थी। आज एक मुखबिर द्वारा ये सूचना दी गई कि इस क्राइम में जो भी अपराधी शामिल है वो आज जीवनी मंडी एरिया में मिलने वाले हैं। इसी सूचना पे विश्वास रखते हुए घेराबंदी नाकाबंदी पुलिस द्वारा की गई और स्वाट टीम भी यहाँ पर मौजूद थी। जब लोग न बाइक सवार दो लोग यहाँ पे आए तो उनको रोकने की कोशिश पुलिस द्वारा की गई। उन्हें वो लोग ना रुकते हुए पुलिस के ऊपर उन्होंने फायरिंग शुरू की। जवाबी कार्रवाई में पुलिस द्वारा और इनके बीच में मुठभेड़ वगैरह हुई, जिसमें एक व्यक्ति के पैर में न गोली लगी है। उसको इलाज हेतु त्वरित SN मेडिकल अस्पताल में उसको शिफ्ट किया गया और एक व्यक्ति जो दूसरा व्यक्ति है और जिसका नाम सोनू बताया जा रहा था वो मौके से फरार हो गया है। मौके से एक बाइक, तमंचा, कुछ पैसे जैसे रिकवर हुए हैं। जो व्यक्ति के पैर में गोली लगी है उसने अपना नाम हरिओम बघेल बताया है और उसने यह भी कबूल किया है कि इरादत नगर एरिया में जो कैनरा बैंक में बैंक में रॉबी हुई थी उसमें भी उसका और उसके दोस्तों का, उसके अन्य साथियों का उसमें हाथ है और गहराई से इसमें पूछताछ की जाएगी। मुठभेड़ में आरोपी के पैर में गोली लगने से आरोपी घायल हो गया, जिसे SN में भर्ती कराया गया है। पुलिस को मौके से एक अदद तमंचा, एक कारतूस और दोनों वारदातों में उपयोग की गई मोटरसाइकिल बरामद हुई है, लेकिन पूरे गैंग का सरगना मुकेश ठाकुर पुलिस के शिकंजे से दूर है। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए मुकेश ठाकुर की रिपोर्ट।